बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ रशियन सैलड की। ये मैंने घर की भिलाई ले ली है, हाफ कटोरी, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का कुटी हुई का लिया है, पीसी हुई का नहीं। एक टेबल स्पून मैंने चीनी का ले लिया है और शेल मकरोनी हाफ डिब्बा ले लिया है। दो तीन मैंने कॉकटेल के ले लिए, छः अदर के एले ले लिए, दो गाजर ब्रिक चॉप कर लिए उबाल के, एक तीन सेब मैंने चॉप कर लिए ब्रिक ब्रिक, और एक आलू, एक कटोरी मटर की उबाल लिए। ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। अब डालते हैं भिलाई इसमें, और एक कटोरी मायोनीज़ की। ये मेरे घर की बनी हुई, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। अब फिर मैंने फ्रेश बना के डाल रही हूँ। आप लोग भी फ्रेश बनाया करें, बच्चों को भी खिलाया करें, खुद भी खाया करें। काली मिर्च और चीनी में डालने लगी, अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें ये फ्रूट डालने लगी, ये कॉकटेल मैंने डाला है, इसमें से इसका जूस नहीं डालना। और मटर ये मैंने उबाले हुए हैं, गाजर, केला ये मैंने चॉप ब्रिक चॉप किया, मोटे मोटे चॉप नहीं किए, क्योंकि बच्चे अक्सर फ्रूट इस वेजिटेबल को निकाल देते हैं, इस तरह खाए जाते हैं, ज़ाया हो जाती वेजिटेबल की। मायोनीज और डाले जी इसमें, थोड़ी इसमें और डाल दीजिए, बहुत मज़े की होती है मायोनीज भी और ये भी। रशियन सैलड मुझे बहुत पसंद है, ये मेहमान आए मेहमानों के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। मैं इसे शेल मकरोनी डाल दूँगी, अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। ये आपने पहले बना के नहीं रखना, कि ये सारा सामान आप रेडी करके रख लें, अब पारी टाइम गेस्ट आ जाएं तब ये आप मिक्स करें और पेश कर दें। ये रशियन सैलड तैयार हो गई है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये रशियन सैलड तैयार हो गई। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और रमज़ान मुबारक।